आप सबके सुलभ संज्ञान के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का ये सोशल मीडिया का प्रोफाइल दिखा रहा हूं जो कैमरामैन लोग दिख रहा है ये कैमरा फोकस कर सकते हैं इस पर हो गया हो गया देखिए ये परिवार का भाव हमारा इससे प्रेरित है कि हम ये कहते हैं कि दो तक इस पूरे परिवार को नंबर एक की अर्थव्यवस्था बनाना है पूछना चाहता हूं ये जितने आज परिवार के एक एक परिवार के राजतंत्र जो जैसे चलता था उस राजतंत्रीय परिवारों के बरखुरदार लोकतंत्र के अलंबरदार बन के खड़े हैं इनमें से क्या आपको लगता किसी का लक्ष्य है कि दो तक भारत को विकसित राष्ट्र और जगत गुरु बनाना है ना इन सब का लक्ष्य है कि दो तक यदि इनकी पार्टी रहे तो इनके परिवार के हाथ में सत्ता रहनी चाहिए और यदि सत्ता मिल जाए तो सारी अर्थव्यवस्था इनके परिवार की मजबूत होनी चाहिए मोदी जी का लक्ष्य भारत विकसित प्रखर होकर आना चाहिए और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए इसलिए हम ये कहते हैं ना हम रहे ना ना रहे भारत ये रहना चाहिए ये कहते हैं भारत रहे या ना रहे भारत चाहे टुकड़े में रहे मेरा परिवार रहना चाहिए आपको याद हो हमारे और ये कोई ऐसा नहीं कि हम कल की प्रतिक्रिया में बोल रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में आपको याद हो आदरणीय अमित शाह जी ने क्या बोला था इन सारे दलों के दलों के के लिए सात पारिवारिक अलंबरदार आज आकर कहते हैं इनका क्या लक्ष्य है लालू प्रसाद यादव जी का क्या लक्ष्य है मेरा बेटा सीएम बन जाए स्टालिन जी का क्या लक्ष्य है मेरा बेटा सीएम बन जाए शरद पवार जी का क्या लक्ष्य है कि मेरी बेटी सीएम बन जाए ममता जी का क्या लक्ष्य है मेरा भतीजा सीएम बन जाए और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी अपने बेटे को सीएम बनाकर ही गए यह सोच में अंतर है हमारी सोच और उनकी सोच में इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह चुनाव एक सोच का चुनाव है एक सोच वो जो भारत की पहचान को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर अपने परिवार का स्थान ऊंचा रखना चाहती है और ये बात मैं इसलिए ईमानदारी से कहता हूं ये सब नेता जो कहते हैं हम गरीब की बात करते हैं हम दलित और पिछड़े की बात करते हैं सत्ता में आने के बाद सबसे तेजी से इन्हीं की धन संपत्ति बढ़ती है मैं लालू जी से पूछना चाहता हूं आज का आपका बयान नहीं है 24 अक्टूबर 1990 को जब आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था दूरदर्शन के आर्स में जाके देख लीजिएगा उन्होंने बोला था ए, कुछ नहीं होता ये हिंदू हिंदू कुछ नहीं होता जात बिरादरी का देश है रामलला का भीतर गड़ा था, क्या? ये बोलने वाले लोग थे कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है आज गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है मोदी जी कहते हैं तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित वो कहते हैं नौकरी चाहिए तो तेरी जमीन भी मुझको अर्पित पैसा ना हो तो, तो इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह विषय एक गंभीर विषय है जिसको लेकर भारत के हर व्यक्ति के मन में वेदना है और वही वेदना भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में भी और एक दूसरा विषय और मैं आपके सामने ध्यान में रख देना चाहता हूं कि भारत की राजनीति के स्वघोषित स्वयंभू कट्टर ईमानदार अजब और अलबेले किरदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री राहुल गांधी जी ईडी के सामने जाने से लगातार बच रहे हैं सॉरी अरविंद केजरीवाल जी जमा चाहता हूं तो मैं पुनः सेंटेंस बोल देता हूं कि देखिए भारत की राजनीति के स्वघोषित कट्टर ईमानदार और अजब और अलबेले किरदार श्री अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सामने जाने से बच रहे हैं और अब ईडी को तकनीकी ज्ञान समझा रहे हैं साहब आपने कभी सुना है कि जो मुलजिम हो वो मुनसिफ की कुर्सी पे बैठ जाए यानी आरोपी न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठ के बताए कि यह काम इस नियम के तहत होना चाहिए और मैं इनका एक पुराना दस सेकंड का स्टेटमेंट सुना रहा हूं कर CBI, बंद कर दो सी बंद कर दो इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां बंद कर दो ए अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है गांधी को गिरफ्तार करो दो दिन उसका इंटरगेशन करो देखो पता चल जाएगा किस 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 ने इन रिश्वत ली और किस -किस ने रिश्वत और और समझदार व्यक्ति उन्हें तो पता है कि शायद दो दिन की भी जरूरत ना पड़े ईमेल भेजा गया था इसलिए भी मैं बात कर रहा हूं बाकी पार्टियां जब भ्रष्टाचार के आरोप पे लड़ती हैं तो अपनी बात पे कायम रहती हैं इस किरदार का ये देखिए ये किरदार कितना बड़ा कलाकार है कि इन्होंने शराब नीति बनाई और सीबीआई इंक्वायरी हुई और विड्रॉ कर ली अब जब विड्रॉ कर ली है तो उनको यह बात पता है अच्छी तरीके से कि विड्रॉ की है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा यह बातें सामने आ चुकी हैं कि ईमेल किए गए थे इसीलिए लैपटॉप नष्ट किए गए फोन नष्ट किए गए उन बातों में डिटेल में, में नहीं जाता ईमेल किए गए संबंधित व्यक्ति को और जब वो ईमेल किए गए और लौटकर संबंधित व्यक्ति ने जो सुझाव दिए वो इनकॉर्पोरेट किए गए तो शायद उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह पता होगा कि शायद कुछ मिनटों में ही जब वो सबूत दिखाए जाएंगे तो ये निरुत्तर हो जाएंगे इसलिए शायद वो बच रहे हैं मगर मुझे लगता है कि ये देश के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण बात है और अदालत के सामने जो लोग अभी तक दागदार हैं और जिनको किसी भी प्रकार का उनको छूट नहीं मिली है समझिए वो शीशे की अदालत में खड़े होकर पत्थर की गवाही की बात कर रहे हैं इसलिए मैं इन दोनों तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये एक नया किरदार है जो ना वकील में विश्वास रखता है ना अपील में ना दलील में ना सिपाही जो मुलजिम को मुनसिफ बना देता है इसलिए हम यह कहना चाहेंगे इससे एक भारत की जनता के लिए भी एक विचारणीय बिंदु मिलता है ये जो नई एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स की बात लोग करते थे दो प्रकार की चीजें हैं या वो जमाना चला गया यह एक नई प्रयोग धर्मी राजनीति थी वो कितनी रेडियोधर्मी सिद्ध हो गई आपको दिखाई पड़ रहा है रेडियो धर्मी समझते ना रेडियो एक्टिव डीके जो कर देता है और ये एक पुरानी वाली राजनीति है जो काट छाट कर जाति क्षेत्र भाषा में तोड़कर बना के रखना चाहती है इन दोनों का समय चला गया कोई एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का अब दौर नहीं है और अब एक तरफ बिल्कुल जो एक्चुअल पॉलिटिक्स डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स मोदी जी के नेतृत्व में है उसका समय है अंत में मैं पुनः पार्टी की तरफ से बहुत वेदना के साथ इस जहां से बात शुरू की थी इसी मोहब्बत की दुकान से निकले हुए असली जहर बुझे सामान वाले इस गठबंधन के प्रति अपनी वेदना व्यक्त करते हुए यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि जनता जनार्दन मोदी जी के प्रति निरंतर किए गए ओछे और हल्के टिप्पणियों का जैसा समय समय पर पिछले वर्षों में जवाब दिया था वैसा ही जवाब देगी जिसे रहीम दास की इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं कि जे बड़े को लघु कहें नहीं रहीम घट जाए किसी बड़े व्यक्ति को कितना छोटा सिद्ध करने का प्रयास करिए वो छोटा नहीं हो जाता जे बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घट जाए गिरधर मुरलीधर कहें महिमा बदलत ही भगवान कृष्ण को आप इतना बड़ा पर्वत उठाने वाला गिरधर कहिए या छोटी सी मुरली उठाने वाला मुरलीधर उनकी महिमा में अंतर नहीं आता है तो बड़े को छोटा सिद्ध करने का जो भी प्रयास है वह निष्फल होगा और जनता जनार्दन का पूर्ण आशीर्वाद इस जवाब का समुचित प्रत्युत्तर होगा